स्टूडेंट्स, अच्छा हमारा टॉपिक देखें चल रहा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हमने सबसे पहले कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, मास्टर ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और कौन सा पढ़ा था पेंक्रियास पढ़े, पेंक्रियास के बाद अभी नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन किडनी के सबसे टॉप पे होता है। क्या होता है? तो दो होते हैं एड्रिनल, क्योंकि हमारी किडनीज भी दो है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितने हैं? दो है। कहां होते हैं? टॉप ऑफ किडनी में। ये हमारा किडनी है, किडनी के टॉप में एक फैटी टिश्यू होता है, फैट्स का एक टिश्यू जो यहाँ पे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कौन शेप्ड होता है, इसको क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के तो दो पार्ट है, एक जो आउटर साइड का है इसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर है इसको क्या कहते हैं? एड्रिनल मेड्यूला। ये जो बाहर वाला है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर की साइड को कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, और इन दोनों को मिला के क्या नाम देते हैं? कॉर्टिकोसाइट। जिस तरह सुने चाय, चीनी, पत्ती, दूध मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? चाय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, या चावल, मसाला, तेल, सही है, जो भी छोले आप डालते हैं, जो भी चीजें डालते हैं, गोश्त, ये सब डालने के बाद को नाम देते हो। इसी तरह एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स को मिला के क्या नाम देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब आपको किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के पता चला, किडनी तादाद है, कहाँ होता है, किस चीज के बने हुए हैं। उसके बाद इसके हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन्स हैं इसके, एक का नाम क्या है? एड्रिनलिन है, दूसरे का नाम नॉन एड्रिनलिन। अब याद रखिएगा, अब ये जो एड्रिनल मेड्यूला है, यहां से ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपका कोई फड्डा होता है, लड़ाई होती है, तो इमरजेंसी से या फाइट या फ्लाइट, या तो मारना है या भागना है, दो सिचुएशन है, ठीक है। तो फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में हमारा होता ना फड्डा होता तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, सांस फूल जाता है, वो क्या आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है आपका हार्मोन, क्योंकि उस वक्त आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ता है। तो ये फियर के वक्त, जब आपको या ज्यादा खौफ होता है उस वक्त, या एंजाइटी, बेचैनी के वक्त ये सिक्रेट होते हैं, तो ये एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रेट होते हैं। अब एड्रिनलिन जो है, ये जो पहला जो हार्मोन है एड्रिनलिन, ये क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ाता है, पहली चीज, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और क्यों करता है, क्यों हार्ट बीट बढ़ा रहा है, क्यों ब्लड प्रेशर, ताकि आपको प्रिपेयर करे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, फाइट या फ्लाइट सिचुएशन, या तो मारना है या भागना है, ये दो सिचुएशंस है, या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, बाइक से आप गिर जाते हैं, तो उस वक्त भी यही हार्मोन एक्टिव होते हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉर एड्रेनलिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से मुख्तलिफ वेसल्स जारी हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, तो यहाँ हार्ट में क्या करता है, ये इनको कंस्ट्रिक्ट करना किसका काम है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स करना, ये भी नॉर एड्रेनलिन का काम है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया, एड्रिनल ग्लैंड टॉप पे होता है, सही है, इसके दो पार्ट्स थे, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर की साइड होता है, मेड्यूला इन साइड होता है। और उसके बाद हमने कहा दो हार्मोन इससे निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, और इनका काम क्या है? इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काम करते हैं, और नॉन एड्रिनलिन आपके क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, तकरीबन ब्लड प्रेशर दोनों में सेम है, ठीक है ना, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं।